हमारे साथ हैं स्वामी ओमी बाबा, उन्नाव के उसी गांव से, उसी इलाके से जहां खुदाई हो रही है। जी स्वामी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज खुदाई शुरू हो गई है वहां, आप लोगों ने कहा है वहां सोना मिलेगा, आज खुदाई शुरू हो गई है, क्या लगता है कब तक सोना मिलेगा, क्या उम्मीद है आपको? जहां तक सोने की खुदाई का सवाल है, सोने की खुदाई का काम भारत सरकार ने एएसआई के हवाले किया है और आज की मेरी सूचना यह है कि 6 घंटे में एएसआई ने 2.5 इंच खोदा है, जबकि हमारा अपना आकलन यह है कि वहां पर सोना भंडार जो है वह 15 या 16 फीट की ऊंचाई पर मिलेगा। हमने एएसआई के अधिकारियों से रिक्वेस्ट की थी कि जितना हम इलाका बता रहे हैं, खाली मुश्किल से मुश्किल 1.5 मीटर व्यास का घोड़ा था, इसको आप 15 फीट में देख लीजिए, हमारी बात सही निकल जाती है, बाकी तो वो बोले कि साहब इसमें ऐसा कि आर्कियोलॉजिकल महत्व की चीजें निकल सकती हैं, हम निकालेंगे इसको ऐसे ही। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक विनती करना चाहता हूँ, मेरी भविष्यवाणी मेरे सरकार की भविष्यवाणी नहीं, मेरे मालिक की भविष्यवाणी, मेरे आराध्य की भविष्यवाणी सत्य होगी अथवा नहीं होगी, ये भविष्य के गर्भ में है, इसको बहुत लंबा बहस का विषय न बनाइए। आप सब प्रभावशाली लोग हैं, पूरा मीडिया जगत, कृपया भारत सरकार के 2 सक्षम अधिकारियों को, प्रधानमंत्री को नहीं, वित्त मंत्री को नहीं, सोनिया गांधी को नहीं, राहुल गांधी को नहीं, 2 सक्षम अधिकारी वित्त मंत्रालय को, आरबीआई की जगह आप आ जाइए। अगर आपको हम 1.5 घंटे के अंदर, आप अंजुम जी कह रहे हैं 1000 टन की बात नहीं कर रहा हूँ, बात पुरानी हो गई 1000 टन की, हम यूके के पास और यूएस के पास जितना रिजर्व है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपके लाइव चैनल कॉपरेट करे, आज मैंने कहीं सुना है कि सुप्रीम कोर्ट चाह रही है कि उसकी निगरानी में हो, मैं स्वागत करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी अगर पहल करे तो मैं धनतेरस के पहले आप सब लोग आ जाइए, जिस दिन आ जाएंगे उस दिन अवेलेबल करा दूंगा, फिर वचन दे रहा हूँ जो सजा हो उसके बाद दे दीजिएगा, संतों का टेस्ट मत कीजिए, पुट्टा पर्सी वाले साईं महाराज को याद कर लीजिए, अपने मुंह से निकालकर शिवलिंग फेंका करते थे, हाथों से चेन फेंका करते थे, आपके बहुत सारे पत्रकार साथियों के पास रखी होगी, उनका प्रसाद मान के रखे होंगे, आज तक कैसे दिया करते थे, कोई आप खोज पाए आज तक उस बातों को, संतों के महिमा का सम्मान मत, आप स्वामी जी, स्वामी जी मैं बीच में रोक रहा हूँ, स्वामी ओमी जी मैं आपसे एक सवाल फिर से पूछता हूँ, चूंकि आपने कहा कि 1000 टन सोना वहाँ है, उसके बाद आपने एक चिट्ठी लिखी, आपकी लिखी हुई चिट्ठी मेरे पास है जो आपने प्रधानमंत्री को लिखी है, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री को लिखी है, गवर्नर को लिखी है, इस चिट्ठी में आपने 2500 टन सोने की और बात की है, साथ में आपने कहा है कि दिवाली 2013 के पहले स्वर्ण भंडार उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो क्या माना जाए जो आप कह रहे हैं, जो चिट्ठी में आपने कही है ये सब कुछ वहाँ हासिल हो जाएगा, इतना सोना मिल जाएगा? अंजुम जी एएसआई के ना ऐसा है, इस मुल्क में बहुत सारे काम आप जानते हैं जब सरकारें करना चाहती हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश से हो जाते हैं, कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से हो जाते हैं, यहाँ पर देश के लिए एक महात्मा ने ऑफर रखा, ये भी कह रहा है जो खर्चा आपका इनिशियल लगना है वो हमसे ले लीजिए एडवांस में, हमको कस्टडी में ले लीजिए। कल किसी चैनल में चल रहा था, सुबह न सोना होगा न बाबा होगा, मैं सब काम छोड़ के यहाँ बैठा हूँ, अब अगर 2.5 रोज खुदेगा तो क्या दिखा दूंगा, नाम को खत्म कराइए, 15 फीट कल खुदवाइए, कल 15 फीट खुदवाइए, कल न निकले सोना तो मुझे बताइएगा, आत्मा से कम निकले तो मुझे दोष दीजिएगा, अगर निकल आए तो संतों की महिमा को प्रणाम कीजिए और शोभन सरकार से जाके विनय कीजिए और धनतेरस के पहले करवा दूंगा, राष्ट्र वचन दे रहा हूँ आपके, राष्ट्र वचन दे रहा हूँ, शोभन सरकार जी की महिमा का इम्तहान अगर लेना है तो सक्षम अधिकारियों को लेकर आइए और जहां जहां हम बताएं, अगर 1 हफ्ते के अंदर इतना सोना न दे दें कि यूके और यूएस के सोने के ऊपर आपका भंडार पहुंच जाए तो जो सजा देना चाहे हमको दे दीजिएगा। हम तपस्वी लोग हैं, हमारा दुर्भाग्य है अंजुम जी कि एक एसडीएम साहब की जो ऐसी गैर जिम्मेदार बने में आज हम प्रेस को फेस कर रहे हैं, हमने कभी आज तक प्रेस के सामने आने की जरूरत नहीं समझी, हमने कुछ काम किया है मानवता के लिए, हमारे शोभन सरकार ने 1000 एकर्स लैंड को जो बंजर थी फर्टाइल और कल्टीवेटेड बनाया, कहीं प्रेस को नहीं बताया, जाके देखिए शोभन के आसपास की धरती में, उन 27 गांवों को लगातार इरिगेशन देने के लिए कम्युनिटी इरिगेशन सिस्टम। अच्छा माफ करिए, फिर बीच में रोक रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या एएसआई ठीक से खुदाई नहीं कर रही है, क्या एएसआई के अफसर जिस ढंग से खुदाई कर रहे हैं उस पर आपको संदेह है कि उससे सोना नहीं मिलेगा? नहीं नहीं सर, यह बात नहीं है, नहीं सर मेरा ऐसा कोई संदेह नहीं है, एएसआई के अपने एक नॉर्म्स है, एएसआई के अपने नाम से अगर उस नाम से कहते हैं तो खुदाई कर रहे हैं तो उस पर न मैं प्रश्न चिन्ह उठा सकता हूँ ना आप उठा सकते हैं, लेकिन अगर 8 घंटे खुदाई में 3 इंच खुदेगा और 4 इंच खुदेगा तो 15 फीट कै दिन में खुद पाएगा, और ये बहस कब तक चलती रहेगी ये मुझे आप बता दीजिए प्लीज। तो आपके हिसाब से कैसे खुदाई होनी चाहिए, आपके हिसाब से कैसे खुदाई होनी चाहिए कि सोना मिलेगा, क्योंकि कुछ भक्तों ने ये भी कहा कि अगर शोभन सरकार के हिसाब से खुदाई नहीं हुई तो राख भी मिल सकती है। अंजुम जी
मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक भी हूँ, इसी देश की धरती में पला बड़ा हूँ, कर्जा महसूस कर रहा हूँ, उतारना चाहता हूँ, शोशेबाजी के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये मामला एएसआई के सुपुर्द हो गया है, हो जाने दीजिए। आजकल सामान भी कीमती होते हैं, 2 महीने बाद निकल जाए तब हमें जिंदाबाद कर दीजिएगा, परसों चले आइए ना शासन को लेकर। बाकी तो 21 आइटम 20 आइटम बाकी रह गया मुझे देने के लिए, कहाँ से दूंगा, कब दूंगा, छोड़ दीजिए, 8 दिन में दे दूंगा, जिस दिन आएंगे उस दिन देना शुरू कर दूंगा। स्वामी जी एक बात बहुत दिलचस्प है, आप कह रहे हैं, आप फर्स्ट पर्सन में बात कर रहे हैं कि मैं सोना दे दूंगा, मैं सोना देना शुरू कर दूंगा, अपने हिसाब से आप जो बातें कर रहे हैं। लेकिन एएसआई के डायरेक्टर अभी हमारे साथ थे, उनसे हमने बात की, एएसआई के डायरेक्टर हैं जमाल हसन दिल्ली में, वो कह रहे हैं हम सोने की तलाश में, खजाने की तलाश में गए ही नहीं, खुदाई में हो सकता है पुराने बर्तन, कुछ पुराने सिक्के और सांस्कृतिक चीजें मिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एएसआई ने, एएसआई को अगर दिया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से, तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में साफ लिखा है कि 10 से 15 फीट की मीटर की गहराई में कोई धातु है इस इलाके में जिसके ये गुण है, और इतने भी गोल्ड और सिल्वर आल्सो, इसके आधार पर। और फिर एएसआई को हमने कहा कि अपने हिसाब से खुदाई कीजिए, आर्टिकल माउंड है, अगर आर्टिकल सामान निकलता है तो भी आपके देश का ट्रेजर है। हमारे हिसाब से 15 फीट आप कहीं पहुंच ही जाएंगे, आज नहीं पहुंचेंगे 6 महीने बाद पहुंचेंगे, तब वो निकलेगा, निकलेगा निश्चित। तो 6 महीने उसको चलने दीजिए, परसों आ जाइए अपनी टीम को लेकर, परसों आ जाइए आदमपुर, डीएम आदमपुर को तैयार कर लीजिए। कानपुर के पास आदमपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर आर्मी का बेस है, एयरफोर्स का बेस हेडक्वार्टर है, उनको सेंट्रल चाहे स्टेट चाहे अलर्ट कर दे, और उसके बाद आप पूरी मीडिया को लेकर चले आइए, सोशल मीडिया हो, बस इतना इंश्योर कर दीजिए कि सोना रिजर्व बैंक तक पहुंच जाए, हम आपको निकाल के देना शुरू कर देंगे, दे दें। मैं जब हम की बात करता हूँ, मैं की बात करता हूँ, तो यहाँ वकील के रूप में बड़ा शोभन सरकार के अपने क्लाइंट की ओर से कहता हूँ मैं और हम, ये सारी बातें शोभन सरकार की ओर से मानी जाए, ऑथेंटिक मानी जाए। जहाँ तक शोभन सरकार की बात है, मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूँ राष्ट्र से कि वो परीक्षा के योग्य नहीं है, वो सिर्फ याचना के योग्य है, उनका याचना करके आप परीक्षण कर लीजिए आपकी वैज्ञानिक टेस्टों में, और यही जीएसआई के अधिकारी पूछ लीजिएगा कि 3 अक्टूबर के सर्वे में कोई रीडिंग नहीं थी, 4 अक्टूबर के सर्वे में रीडिंग थी, आपके रिपोर्टर से आया, पूरी बात कर लीजिएगा। चलिए एक चीज स्वामी जी बताइए कि कैसे पता चला शोभन सरकार को कि वहाँ सोना है? पहले बात आई कि शोभन सरकार ने सपना देखा, सपना में राजा की भटकती हुई आत्मा आई, उन्होंने गुरुओं से बात की, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से फिर बात आई कि कोई सपना नहीं देखा, फिर शोभन सरकार की तरफ से बात आई कोई नक्शा है उनके पास, तो पता कैसे चला कि वहाँ खजाना है? अंजुम जी बात समय थोड़ा कम है, पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देश की वर्तमान नास्तिक स्थिति महत्वपूर्ण क्या है कि सोना मिले या सोने के सुपने कैसे मिले, ये बात पहले दिखाई लो, नंबर एक। नंबर दो, सपने वाली बात बिल्कुल गलत है, मैंने कहीं नहीं लिखा है, जब भी मैंने लिखा है पूरी कॉरेस्पॉन्डेंस मेरी ओर से हुई है, आप चाहेंगे आपको रिपोर्ट सुनो पूरी कॉपी दे दूंगा, सब निकाल निकाल की फाइल से भी, ये जरूर लिखा है मैंने कि राजा राव रामबख्श सिंह ने स्वयं शोभन सरकार से विनती की, और उसके लिखने का आधार यह है। एनजीओ जी आपके रिपोर्टर यहाँ पर है, बिल्कुल मुझे भी ताज्जुब होगा, आपको भी ताज्जुब होगा, डोरिया खेल के बच्चे बच्चे ने अपनी नंगी आंखों से राजा राव रामबख्श सिंह को 5 वर्ष पूर्व तक घोड़े पर सवार होकर उस किले पर घूमते हुए देखा है, डोरिया खेल के पास 3 किलोमीटर दूर माता चंद्रिका। स्वामी जी आपका एक बयान है 3-4 दिन पहले का, आपने कहा कि शोभन सरकार ने के सपने में राजा की आत्मा आई, और राजा की आत्मा ने कहा उन्हें मुक्ति चाहिए, और उन्होंने 1000 टन सोने की बात कही, ये आपने कहा था, आपका बयान है कैमरे पर स्वामी जी। आप मुझे मेरी किसी माइक में सपना शब्द दिखा दीजिए, मैं बता दूंगा आपको, अगर आपका मेरी माइक में कहीं सपना शब्द है तो मैं आपकी बात मान लूंगा, अगर मैंने कहा राजा राव रामबख्श सिंह ने खुद आकर कहा है तो दूसरी बात है, ये सपना आपके आपके मीडिया के ऊपर है दिमाग के कि वो मर गया डेढ़ साल पहले सामने कैसे आ जाएगा, तो सपना देख दो, सपना आप लिख रहे, सपना मैंने कहीं नहीं लिखा, ना किसी बाइक में लिखा सपना है। अच्छा चलिए, आप क्यों चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री वहां दो पहुंच जाएं, या केंद्र के सचिव पहुंच जाएं, सेक्रेटरी पहुंच जाए केंद्र सरकार के, ऐसा क्यों चाहते हैं आप? अगर गोल्ड ट्रेजर आरबीआई को देना है और हैंड ओवर करना चाहते हैं हम, कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? अगर अपने देश की मुद्रा जो सोने की चिड़िया थी, सोने का बाद बनाने का संकल्प संत ने ले लिया, कोई गुनाह कर दिया क्या? उसको आप फायदा क्यों उठाना चाहते हैं? इतना विवाद का विषय क्यों बनाना चाहते हैं?
और आपको लगता नहीं कि अगर सोना नहीं मिला, क्योंकि आपकी चिट्ठी हमारे पास है, जो आपने चिट्ठी लिखी है ये चिट्ठी हमारे पास है, जो शोभन आश्रम की तरफ से चिट्ठी है, ये चिट्ठी 16 तारीख की चिट्ठी है हमारे पास है, जो आपने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, इसी चिट्ठी में जिक्र है कि उसमें 80% से अधिक स्वर्ण बिस्किट के रूप में है खजाने में, और 2500 टन की भी बात है जो पूरे इलाके में स्वर्ण कोष है। मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर ये सोना नहीं निकला जिसका दावा किया गया है, तो लगता नहीं कि शोभन सरकार जो इतने बड़े संत हैं, उनके बहुत सारे भक्त हैं, उनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा? सुनिए तो, और अगर ये आप कल चले आइए, कल आपको सोना दिखा दूं, तो क्या आप ये मान लेंगे जितने महात्मा अपने अपने स्टेडियम में बैठा के पैदा किए थे फर्जी थे, और महात्मा स्टेडियम नहीं आया करते हैं, आप ये मानेंगे? नहीं नहीं, मैं आप नाराज हो रहे हैं, मैं तो आपकी मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, मित्र कभी नाराज नहीं हो रहा हूँ। कभी यार भगवान बनाते हो, आसाराम बापू के बाद में पोस्टमार्टम करते हो, ठीक, मुझसे इतने सवाल कर रहे हो। कभी बाबा रामदेव से पूछा कि जब अन्ना हजारे के मंच पे बैठे थे तो 80 एकड़ पतंजलि योग की पीठ क्यों तुमने जमीन छोड़ी थी वहाँ पर, तुम्हारे साथ धंधा कैसे बैठ गया था, कभी पूछा आपने आज तक? आप पूछेंगे नहीं? स्वामी जी, हमने रामदेव से बहुत सवाल पूछे, रामदेव से हम 10 बार इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ, बहुत बार सवाल पूछे हम सिर्फ देखिए, मेरा काम है मीडिया में हूँ, मेरा काम है सवाल पूछना, आप अपनी बात कहें, मैं आपकी बात उसी तौर पर दर्शकों को पहुंचाऊंगा, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। स्वामी जी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपकी चिट्ठी से, आपकी चिट्ठी मेरे हाथ में है, इसलिए एक भी शब्द इधर उधर नहीं कर रहा हूँ। आपकी चिट्ठी में लिखा हुआ है कि गंगा तट पर अकूत स्वर्ण कोष लगभग 2500 टन का भूगर्भ में उपलब्ध है। मैं ये जानना चाहता हूँ स्वामी जी, और उसके साथ ये भी कि उन्होंने कहा है, लिखा है कि अपने तप बल से भारत सरकार के रिजर्व बैंक को के मुद्रा कोष को कम से कम इतना स्वर्ण कोष दिवाली वर्ष 2013 के पहले उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है शोभन सरकार जी ने। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस चिट्ठी का, इस संकल्प का 2500 टन सोने का पूरे इलाके में, 1000 टन सोने का वहाँ, इसका आधार क्या? मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, नाराज ना हो आप। नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, लेकिन फिर बता दूं कि संत अनंत अखंड अनादि जय चिंतन परमार्थवादी, संत वो होता है जो परमात्मा की अनुकंपा प्राप्त कर लेता है, सूर्य विद्या संजीवनी विद्या के धनी संतों को कोई भी चीज कहीं पैदा करने के लिए जाना नहीं पड़ता है, वो भले ही पर्दा लगाने के लिए कहते हैं कि यहाँ सोने में जमीन में गड़ा था, वहाँ गड़ा था, जहाँ वो खड़े हो जाएंगे, और मैं फिर गड़ा टेस्ट करिए, जहाँ आप कह देंगे वहां से निकलवा दूंगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बाबा रामदेव भी कह रहे हैं वहाँ सोना नहीं हो सकता, बहुत सारे साधु संत देश में अलग अलग जगह से साधु संतों के बयान आ रहे हैं, कैमरे पर बोल रहे हैं कि कोई सपना ऐसा देखा नहीं जा सकता, सोना हो नहीं सकता, देश में आज तक 2100 साल के इतिहास में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसके पास 100, 200 या 500 टन सोना भी हो, यहाँ तो 1000 टन सोने और 2500 टन सोने की बात हो रही है, सोना आया कैसे अगर इस देश में आज तक 2100 साल में कोई राजा ही नहीं हुआ ऐसा? अरे अंजन जी, कहा 2500 टन में क्या बनाया, मैं तो 21,000 टन की बात कर रहा हूँ, लंगोटी वाले फकीर की ओर से उसकी ओर आइए ना, कहाँ 2500 फंस गए आप, बेकार में कहाँ खिलाने फंस गए आप, ब्रिटेन का 11-12 हजार, यूएस का 8 हजार हो गया, 20 हजार, एक हम पहले कर चुका 21 हजार, परसों लेके आइए ना, अगर एक हफ्ते 21 हजार तो लगवा दें आपको, तो मुझसे कहिए खाली इंश्योर कीजिए कि आज यही पहुंच जाए। आप बहुत गर्म मिजाज के बाबा हैं ओमी जी। नहीं, मैं बाबा हूँ नहीं बेसिकली, मैं बाबा बेसिकली नहीं हूँ, और बाबा हूँ भी नहीं, मैं बाबा होना क्लेम भी नहीं करता हूँ मित्र, अगर महात्मा कहीं मिल जाते तो महात्मा की बातें करता हूँ। लेकिन आप दुर्भाषा टाइप के ऋषि लग रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं। बिल्कुल नहीं, ना बॉस, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल पानी की तरह से हूँ, अगर दूध में मिलाकर पी दोगे दूध का मजा दे दूंगा, और शराब में मिलाकर पी दोगे शराब का मजा दे दूंगा, मैं पानी हूँ कुछ नहीं सा। अच्छा स्वामी जी, मैं फिर खत्म कर रहा हूँ, मुझे पता है आपके पास वक्त की कमी है, मैं फिर आपकी चिट्ठी से एक सवाल पूछता हूँ कि आपकी चिट्ठी में जो 2500 टन सोने की बात की गई है गंगा तट पर कानपुर फतेहपुर और आसपास उन्नाव के इलाके में, और 1000 टन उस खजाने में जो उस राजा राव बक्सिंग के किले के आसपास है, क्या आप फिर से एक बार दावे के साथ कह सकते हैं कि अगले 2-4-5 दिन में ये सोना देश के सामने होगा? यह फिगर करीब 3500 टन की हुई है। अंजन जी, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तमाम न्यूज चैनल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं देश के लोकतंत्र में, बहुत प्रभावशाली होते हैं, अगर चाहे तो 2 सही सचिव भेज सकते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुला रहा हूँ, 2 सही सचिव लेके आप आ जाइए, अगर कल आपको ट्रेजर दिखा दूं और कल से आप चौपड़ में भरना शुरू कर दें तो प्रणाम कर लीजिएगा शोभन सरकार की महिमा को। आपके पास चरणदास महंत जो केंद्रीय मंत्री है वो तो गए थे शोभन सरकार से मिले थे 22 सितंबर को, उसके बाद 22 सितंबर को उसके बाद ही एएसआई इतनी एक्टिव हुई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्टिव हुई और वहाँ खुदाई शुरू हो गई है, तो मंत्री तो आपके पास गए। आपका सवाल बहुत बढ़िया आपने याद दिलाया है,
और लोग कुछ कहते इस बात पे तो मुझे अफसोस ना होता। कल आपके चैनल में प्रतिष्ठित पत्रकार देवांग ने चरणदास महंत का इस्तीफा इसी बात के ऊपर मांगा है। मैं एक बात सिंपली पूछ रहा हूँ, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी भेजी, आरबीआई को चिट्ठी भेजी, डीएम को चिट्ठी भेजी, स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठी भेजी कि यहाँ पर सोना हो सकता है, इसकी पुष्टि जीएसआई सर्वे से करा दी जाए, अगर हो जाए तो इसमें कार्रवाई की जाए, आरबीआई इसको दे दे। उसके बाद अगर केंद्र सरकार ने उस चिट्ठी का संज्ञान लेकर जीएसआई सर्वे करा लिया और जीएसआई में उन बाबों की पुष्टि हो गई जो संत ने बिना सर्वे हुए कही थी और फिर खुदाई का फैसला कर लिया राष्ट्रहित में, तो इतना बड़ा मतंगल क्यों बना दिया? आप लोग क्या चाहते हो कि मुनि मानव का संज्ञान लिया जाए जिसमें चैनल और सोशल मीडिया सामने बाकी लोगों की बात को सुनी जाए? देखिए वो तो दिबांग हमारे चैनल पर गेस्ट थे, उनकी राय है और उनकी राय ये है कि अगर मंत्री के कहने पर खुदाई हुई और खुदाई में सोना नहीं निकला तो मंत्री की जिम्मेवारी है, वो दिबांग की राय है। और आप क्या वहाँ बैठकर उन्नाव में टीवी सारे मॉनिटर करते हैं? ओमी जी मजबूरियत देखना पड़ता है ना, काउंटर कैसे करूंगा आपको मैं? अच्छा काउंटर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लगातार टीवी देखते हैं? मैं तो समझ रहा था कि आप स्वामी बाबा हैं, मोह माया से मुक्त हैं, आप तो कपड़े भी बदन पर कपड़े भी नहीं, आप धोती में रहते हैं, तो मैं तो बहुत सादगी वाला समझ रहा था, लेकिन आप काफी हाईटेक हैं, आप टेलीविजन देखते हैं आप? अंजुम जी बाबा नहीं हूँ, 7 साल के लिए एक्सपेल हो गया था कॉलेज से, भाई की ऐसी त्यागी का साथी हूँ उस जमाने का जब वो एनएस कॉलेज के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव है, सब घाटों का पानी पी चुका हूँ, आपके भी साथ में कुछ दिन रहा हूँ, आपके साथ में कई मित्र रहे हैं, अब सब घाटों का पानी पीने के बाद कोई काम नहीं, बाबा जी बन गया तो बाबा जी अपने से खाली बनाऊ, समाज के लिए नहीं, कोई एक्शन बाबाई वाला नहीं है, कोई क्लेम बाबाई वाला नहीं है, न कहीं महात्मा क्लेम करता हूँ। ओमी जी वक्त की कमी आपके पास है, एक बार फिर से उसी चिट्ठी में से आपने चिट्ठी में लिखा है कि वर्तमान राष्ट्रीय मुद्रा संकट को दृष्टिगत रखते हुए अपने तपबल से, तपबल मैं बोल रहा हूँ, तपबल से भारत सरकार के रिजर्व बैंक के मुद्रा कोष को दिवाली के पहले स्वर्ण कोष मुद्रा कोष उपलब्ध कराएंगे। तपबल से सोना कैसे हासिल हो सकता है, कैसे उपलब्ध हो सकता है? अब आप सामने आकर देखिए, इसमें सवाल नहीं, सवाल मेरे पास नहीं है, आप आइए देखिए, चुनौती है खुली, अगर आके देख सकते हो तो आगे की बात चले, और खाली डिबेट करनी हो तो कोई फायदा नहीं। अंजुम जी नमस्कार।